अरे सुनती हो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं तुम्हारे पास। भगवान, 12 बज गए, रोटियां बना दो, भूख लग रही है। हाय दैया, रोटी बनाना सबसे कठिन काम है। कितनी भी मेहनत से बनाओ, कुछ टेढ़ी बन जाती है, कहीं फूलती नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी यही प्रॉब्लम है रोटी बनाने में? तो मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही आसान रेसिपी, वो भी कम समय में, फूली और गर्ल रोटी, जो आपको आने वाली बहुत पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ मोहिनी डिलीशियस फूड में। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं रोटियां बनाना। रोटी बनाने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमने ले लिया एक तसला। तसले में हम ऐड करेंगे 2 कटोरी आटा। आपके घर में जितने भी लोग हैं उस हिसाब से आप आटा को लीजिए। इतना नहीं कि हमने थोड़ा ले लिया तो आप भी थोड़ा लें, आप अपने हिसाब से लीजिए जितने आपके घर में लोग रहते हैं। अब हमने लिया है पानी। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, एकदम से नहीं मिलाना, नहीं तो हमारा आटा हो जाएगा गीला, फिर उसके बन जाएंगे पुए। तो हमें पुए नहीं बनाने, हमें बनानी है रोटी। इसलिए हमें आटा में पानी को थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहना है। फिर से थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिला लेंगे। और आटा को हमें बिल्कुल टाइट नहीं करना है, नहीं तो हमारी पूड़ियां बनेंगी, रोटियां नहीं बनेंगी। आटे को हमें हाथ की मदद से कुछ इस तरीके से गूंथना है जैसे मैंने गूंथा है, आपको भी ऐसे ही गूंथ लेना है। जितना अच्छा आप आटे को माड़ के रेडी करेंगे, आपकी रोटियां उतनी ही फूली बन के रेडी होंगी। थोड़ा सा हम पानी और ले लेंगे। हमारा जो आटा है अच्छे से मढ़ के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं आटे को, हमने ना ही ज़्यादा गीला किया है, ना ही ज़्यादा बिल्कुल टाइट किया है, बिल्कुल मीडियम साइज का हमने आटा रखा है। आपको भी कुछ इसी तरीके से आटे को मारना है अगर गोल गोल रोटियाँ बनाना है आपको। तो ये हमारा रेडी हो चुका है रोटियाँ बनाने के लिए। इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख छोड़ देंगे, जिससे हमारी जो डो है अच्छे से सेट हो जाएगा और रोटियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। हमारा ये डो है अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे गर्ल गर्ल रोटियां। सबसे आसान तरीका है, पहले आप आधा, अगर आपके पास आटा ज्यादा है तो आप आधे आटे को काट लें उसमें से, अगर आपके पास आटा कम है तो आप पूरा ले सकते हैं एक बार में। हमने कुछ इस तरीके से करना है। कुछ हमने इस तरीके से इसको बड़ा कर लिया है। अब हम लेंगे चाकू। चाकू से हम लोइए को काट लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको भी काटना है, जिससे आपका समय भी बचेगा और रोटियां गोल गोल बनेंगी। हमने सारी लोइए को काट लिया है। अब हम लेंगे एक लोई, इसको हम ऐसे कर देंगे तो हमारी जो लोई है रेडी हो चुकी है। अब हम इसको लगाएंगे पत्थर में। पत्थर में लगाने के बाद हम इसको कुछ इस तरीके से बेल लेंगे, आपको भी ऐसे ही बेल लेना है। हमारी जो रोटी है अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है सेकने के लिए। अब हम उसको प्लेट में रख लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी लोई बना लेंगे।
रोटियां बनाना कितना ही सरल तरीका है अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। 5 मिनट में आपकी सारी रोटियां बनके रेडी हो जाएंगी अगर आप दो लोगों के लिए बनाएंगे तो, और बड़ी फैमिली के लिए बनाएंगे तब भी 20 मिनट में आपकी सारी रोटियां बन जाएंगी। मैंने बड़ी आसानी से कितनी अच्छी से रोटियां बना के तैयार कर दिया। ये रोटी मेरी तैयार हो चुकी है बिल्कुल गोल। हम करेंगे रोटियों को सेकना, तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे रोटी। थोड़ी देर हम इसे तवा पे रख के सेक लेंगे। इसको भी पलट देंगे हम। पलटने के बाद हमें रोटी को दूसरी साइड भी अच्छे से सेक लेने हैं जिससे हमारी रोटी अच्छे से फूले। दोनों साइड हमारी रोटियां अच्छे से सिक चुकी हैं। अब हम इसको गैस पर सेक लेंगे और तवे में दूसरी रोटी डाल देंगे। गैस पे हमें इसको सेक लेना है। आप देख सकते हैं हमारी ये रोटी है कितनी अच्छे से फूल के रेडी हुई है, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छे से आटा को रेडी किया था और इसे तवे पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेका है हमने, इसलिए ये हमारी बिल्कुल गोल और फूली बन के रेडी हो चुकी है। हमने इसको सेक लिया है, अब हम इसको हटा लेंगे। ये सेक के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सारी रोटियों को हमने सेक लिया है। इसी तरीके से आप भी सारी रोटियों को सेक सकते हैं और ये फूली गोल रोटी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। मेरी मजेदार रोटी की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।